सो सासुर फिर भी अगला जन्म यो ही मिला और यही बेटा यो ही धनी यही मेरी सांग की सवेली यो ही मकडाणु गांव में सासुर मिला। दादी दुख पाकी कोक सुख पाकी कोक। नमस्कार चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम गांव मकडाणा के मंदिर में मौजूद है, तो बातचीत करने वाले हैं कि आखिर गांव मकडाणा में क्या समस्याएं हैं। जी सबसे पहले नमस्कार, राम राम जी। हाँ राम राम जी। राम राम। अपना गांव में क्या मुख्य समस्या? वैसे में सबसे ज्यादा तो पानी की से और गलिया की गंदगी से। अच्छा जोड़ जा रहे ठीक से? जोड़ ना कौन जोड़ मारा, गंदा जोड़ पड़ा। कितने साल? कई साल का, कोई 20 साल तक। और दो जोड़ से दोनों सड़ा पड़ा से, पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। जो पशु हमारा से वो घर ही पानी पियाओ, पानी कहाँ से पियावा, पानी नहीं है। गांव मकडाणा के ग्रामीण ऐसे सरपंच की तलाश कर रहे हैं जो गांव का विकास करवा सके, क्योंकि गांव मकडाणा में समस्याओं का अंबार लगा है। गांव की गलियां हैं वे कच्ची पड़ी हैं, जोहड़ों में कोई साफ पानी नहीं है, चारों तरफ साफ सफाई का भी एक अहम मुद्दा है, जल भराव का भी मुद्दा है। गांव मकडाणा का विकास काफी ज्यादा रुका हुआ है पिछले कई कोई 20 सालों से। हाँ पिछले काफी लंबे समय से सरपंच के चुनाव न होने के चलते गांव मकडाणा का विकास कार्य रुका हुआ है। आने वाले समय में जब सरपंच गांव मकडाणा का बन जाएगा तब देखना होगा का रुका हुआ जो विकास कार्य है क्या वो रफ्तार पकड़ेगा। जो गांव का नाला निकलवाया था वो भी उल्टा घरों में जा रहा है पानी गंदा, वो भी पास नहीं हो क्या गया पानी में। अच्छा और भी गाँव में समस्या है उनके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। गाँव मकडाणा में एक आज झोटा छोड़ा जा रहा है, सर्वसम्मति से दाग लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? सही है। क्या गांव के हित में है? हाँ हाँ गांव में झोटा कौन ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जहाँ और भी को बंद है झोटा कर 700 रुपया ली, ये झोटा छोड़े जाते बहुत बढ़िया, गांव का भला होगा झोटा भलो। तो क्या जो आज ये जो कदम उठाया जा रहा है झोटे को दाग लगाने का, क्या ये सही है? सही जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? विद्या दे। आज गांव मकडाणा में झोटा छोड़ा जा रहा है, क्यों ठीक से? बिल्कुल ठीक है। जो दाग लगाया जा रहा है वो गांव के हित में है? हाँ एक में। और महिलाएं भी उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। ताई राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक सो? खूब बढ़िया सा भाई, सो सास फिर भी अगला जन्म यो ही मिला और यही बेटा यो ही धनी यही मेरी सांग की सवेली यो ही मकडाणु गांव में सासुर मिला। दादी दुख पाकी कोक सुख पाकी थी आत्माते। और आज मेरा बेटा ने सरपंच का फार्म भरा क्या से, तो इस गांव में मकडाणा गांव में झोटा नहीं था, आज झोटा ले आऊं से। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने सारी ताई है माताएं हम तो बात करी तो बहुत बढ़िया बात है। मेरी सारी सांग की सहेली से अन तो पूछा गया इस गांव में झोटा ले आवा या नहीं ले आवा, अन की इजाजत के कारण है मेरे देवर जेठा के कारण है आज हम झोटा ले आया। जो दीपक मेरा बेटा है वो इस गांव में झोटा छोड़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गांव में ये एक अहम समस्या थी। ताई राम राम। राम राम भाई जी। क्या नाम आपका? नाम रतन कौर है। अपना गांव और की समस्या? अपने गांव में पानी की सबसे ज्यादा है जी। पानी नहीं आ रहा हमारे तो बिल्कुल नहीं चढ़ रहा, और गांव में टंकर आता है 700 रुपये का, 3 दिन या 4 दिन चलेगा, कितने टंकर ले आके पियेंगे पानी, तो रोज पीने के लिए चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जो जीत के पुत्र है जो जिन्होंने सरपंची का फार्म भी भरा है, वे पिछले काफी टाइम से फ्री में टैंकर डाल रहे पानी का? हाँ डाल रहा है। तो हाँ ठीक है, कनेक्शन कट रहा है 32 लाख उसके वो है बिल के, कौन भरेगा वो समस्या उसके हल करना चाहिए। और झोटा छोड़ने से बहुत अच्छी बात है, गांव में सभी को चाहिए झोटा, एक आदमी को नहीं चाहिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो क्या गांव के विकास कार्य कर पाएंगे? कर पाएंगे बिल्कुल। तो आप वोट देंगी? देंगे क्यों नहीं देंगे, पूरे परिवार से? परिवार में है हमारे, हमारे परिवार में है, अच्छी बात है। समस्या ये है जी 32 लाख रुपया हमारा जो दो बोर्स हैं उनका 32 लाख रुपया हो रहा है, हमारा जो बोर्स हैं वह मंदरगढ़ में और भरने वाले SDO अक्सन हैं वो दादरी, हमारा पानी वाला क्या करें? हाँ ये एक अहम समस्या है। ये समस्या है सरपंच के क्रम रहे, जो भरने कर्मचारी से एक्शन और SDO नहीं भरता, हमारा कनेक्शन कटा हुआ है दोनों का, हम नहर को पानी छोड़ दो खुद बाकी उससे करें से, अरे भाई यो पानी जोड़े साहब अहम अहम समस्या है। अच्छा एक ही दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।